नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, हकम जी का घर यही है क्या? हाँ यही है, बताओ क्या काम है? मैडम जी आप हमारी उनसे जरा बात करा देंगी? बात करा देंगी किससे? अगम जी से बात करा दीजिए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। अरे मैं तुम्हें जानती हूँ नहीं, और अगम जानते हैं तुम्हें? हाँ हाँ वो हमें अच्छे से जानते हैं। आप उन्हें बता दीजिए कि एक भैया आए हैं जो 5 साल पहले उनसे मिले थे, हमने उनकी एक बार मदद की थी तो उन्होंने कहा था कि कभी भी जरूरत पड़े तो घर आ जाऊँ, इसलिए हम यहाँ आ गए। क्या 5 साल पहले मदद की थी? अरे ऐसी क्या मदद कर दी जो 5 साल बाद तू आज आया है यहाँ पे? मैडम जी हमने उन्हें ना 5 साल पहले 1000 रुपये दिए थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि हमें कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़े ना तो हम बेझिझक उनके घर पे आ जाएं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बस उनसे एक बार हमारी बात करा दीजिए। अच्छा 5 साल पहले जो तूने 1000 रुपये उन्हें दिए थे वो तू आज मांगने आया यहाँ पे? हाँ मैडम जी आप प्लीज़ हमारी उनसे बात करा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। अच्छा ठीक है रुको। रोजी का फोन। हेलो अगम। हाँ रोजी। गेट पर ना कोई अजीब सा आदमी आया है गांव से, वो बोल रहा है कि तुमसे मिलना चाहता है। क्या? वो बोल रहा है कि उसने 5 साल पहले तुम्हारी 1000 रुपये से मदद की थी। क्या वो आए हुए हैं? हाँ लेकिन तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? अरे तुम उन्हें ना रोक के रखो, उनको जाने मत देना। तुम एक काम करो उन्हें अच्छे से घर में बैठाओ। अरे लेकिन तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। रोजी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, उनको रोक के रखो, मैं बस निकल रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। अरे सुनो तो। हेलो अगम। भैया एक काम करो आप अंदर आके बैठ जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहीं ठीक है। वो अगम जी ने बोला है कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप अंदर बैठ जाइए। जी मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। धन्यवाद। अरे भैया आप। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी आप आओगे। अच्छा क्या क्या पाए? अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। और बताइए घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया है भैया। इतने दिन बाद कैसे आपका आना हुआ? वो थोड़ी जरूरत आन पड़ गई थी, इस वजह से। आपने हमें ये कार्ड दिया था और बोला था कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं। हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। वैसे ज़रूरत क्या थी आपको? वो हमारी छोटी बहन का ना ब्याह है तो हमें उसके ब्याह के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है? जो आपसे मदद हो जाए साहब। अच्छा एक मिनट, रूही रूही एक काम करो, लॉकर से 1 लाख रुपए निकाल के लाना। 1 लाख रुपए? उनका दिमाग खराब हो गया है, उस देहाती गवार को 1 लाख रुपए देने। 1 लाख में तो हो जाएगा? 1 लाख रुपए तो साहब ज्यादा हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम रखो और बहन की बहुत अच्छे से शादी करना, ठीक है? ये लो भैया, और अच्छे से बहन की शादी करना। और हाँ अगर और कोई भी जरूरत हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझे बता देना, मैं आपके लिए जो बन पड़ेगा मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे धन्यवाद की कैसी बात है, चलता हूँ। हाँ आइए। नमस्ते। 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 अगम तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसको तुमने 1 लाख रुपए दे दिए। अरे तो इसमें इतना भड़क क्यों रही हो? अच्छा
मैं भड़कू ना तो और क्या करूँ? ये बताओ, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? हाँ, अरे तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता है, पता है भैया कौन है? अरे भैया। जी भैया, आपके पास फोन होगा क्या? अरे भैया, हमारे पास फोन कहाँ से आया, गरीब आदमी है। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं हमें। मेरा हैंडबैग चोरी हो गया, मेरा सब कुछ उसी में था, मेरा फोन, मेरा वॉलेट, सब उसी में था। मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था, एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने जीवन का सारा पैसा, यहाँ तक कि घर गिरवी रख कर भी लगाया है पैसा। अगर मैं आज ही मीटिंग अटेंड नहीं किया ना, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं क्या करूँ? भैया परेशान मत होइए, आपके पास एक भी रुपए नहीं बचा। अरे सारा पैसा उसी में था, फोन भी उसी में था, मैं किसी को फोन करके बुला भी नहीं सकता हूँ, कैसे मैं जाऊँ? आप परेशान मत होइए भैया, वैसे वहाँ एयरपोर्ट तक जाने में कितना किराया लगेगा? अरे यही कुछ 500,000 तो लग ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, आप ये पैसे रख लीजिए भैया और अपनी मीटिंग कर लीजिए। और ये पैसे आप मुझे क्यों दोगे? और आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पैसा आपके लिए बहुत कीमती होंगे। भैया ये पैसा हमारे लिए कितना भी कीमती हो, लेकिन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमती नहीं है, इस समय ये पैसा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये रख लीजिए। पक्का मैं रख लूँ? हाँ भैया आप रख लीजिए और आप चले जाइए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक ये ना कार्ड रखो आप मेरा, और सुनो, आपको भविष्य में कभी भी कोई भी ज़रूरत हो ना, तो इस एड्रेस पे आप ज़रूर आना, ये मेरा घर का एड्रेस है, मैं आपको हमेशा यहाँ मिलूँगा। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं भैया, आप जाइए। हाँ भैया, थैंक यू। अच्छा तो ये वही भैया है जिन्होंने तुम्हारी उस वक्त मदद की थी? हाँ ये वही भैया है, अगर ये उस टाइम मेरी मदद नहीं की होते ना, तो ना तो आज ये घर होता, ना तुम मेरे साथ होती, और ना मैं आज यहाँ खड़ा होता, पता नहीं क्या होता। देखो रोजी, बात 1 लाख की या 1,000 की नहीं होती, बात इंसानियत की होती है, और उन्होंने जब मेरे साथ इंसानियत निभाई थी, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनके साथ आज इंसानियत दिखाऊं और उनकी हेल्प करूं। आखिर उनकी छोटी बहन की शादी जो है। हाँ गम, तुम शायद सही कह रहे हो, तुमने अच्छा किया कि उनको 1 लाख रुपये दे दिए, अब उनकी बहन की अच्छे से शादी भी हो पाएगी। हाँ एक काम करते हैं, तुम ना पैकिंग कर लो, हम लोग भी चलते हैं उसकी शादी में। चलो ठीक।